लगातार आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हरियाणा से जो डिस्टेंस में बीएड होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी फीस क्या है, किस तरह चलता है। अब जो डिस्टेंस में बीएड होती है या पार्ट टाइम में बीएड होती है उसका प्रोसेस क्या है, बहुत तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अलग अलग तरह से कैसे कैसे बीएड चलता है हरियाणा में। दोस्तों जैसा कि हमेशा से मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियोज के माध्यम से, डोंट बी क्वालिफाइड बी एजुकेटेड, मतलब आप बहुत सारी डिग्रियां लेकर कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत सारी डिग्रियां आपके पास हो पर एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो किसी काम की वो डिग्रियां आपकी नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीचर्स जो होते हैं वो आधार होते हैं एजुकेशन सिस्टम का, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान जितने भी होते हैं वो सभी सहायक होते हैं किसी भी एजुकेशन को प्रदान करने में, उस टीचर को टीचर बनाने में। दोस्तों हमने जितने भी वीडियोस बनाई है हरियाणा से बीएड करने पर, बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग तरह से आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हमने कोशिश की है। हमने अलग अलग से वीडियोस भी बनाई है CRSU पर, MDU पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर भी बनाई है, साथ में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसी कई सारी अलग अलग डीक्रेस्ट पर भी हमने वीडियो बनाई है। इंडिविजुअली आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना तो उन वीडियोस पर आप जा सकते हैं, और साथ में किस तरह से बीएड का प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, सभी तरह की वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। लगातार आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हरियाणा से जो डिस्टेंस में बीएड होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी फीस क्या है, किस तरह चलता है, या फिर आप पूछते हैं सर हरियाणा से जो पार्ट टाइम में बीएड होता है, पार्ट टाइम से जो कोर्स चलता है हरियाणा में बीएड का, क्या एलिजिबिलिटी है, फीस कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। सच में मैं आपको बताऊं तो क्या इस तरह से डिस्टेंस में बीएड या पार्ट टाइम में बीएड या फिर रेगुलर बीएड ये चलते भी हैं या नहीं, या सिर्फ रेगुलर ही चलता है, ये दोनों नहीं चलते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के दिल में लगातार जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि हरियाणा में डिस्टेंस और पार्ट टाइम में बीएड होता भी है या नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन पर किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन लेती है या फिर किन कोर्सेज में ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन देती है यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जिनके पास ऑनलाइन का अप्रूवल ही नहीं बट फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका कोई भी किसी भी तरह का डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपके दिल में कोई सवाल है, आपको उसका जवाब हमारे इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों बीएड करने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, बीएड के लिए आवेदन करते हैं और चाहते हैं बीएड करना और किसी भी अच्छी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लग जाना एज अ टीचर, वो पढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को और अच्छी सैलरी भी मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके अंदर, सिक्योर जॉब भी मिल जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है स्टूडेंट्स को, और अगर नहीं भी लगती है जो बीएड होल्डर्स हैं तो प्राइवेट के अंदर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अब किस स्टेट से करें, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से बीएड कराई जाती है। हरियाणा की हम बात करें क्योंकि सवाल हमारे पास हरियाणा को लेकर ही था कि सर हरियाणा से जो डिस्टेंस में बीएड होती है या जो नॉन अटेंडिंग में बीएड होती है, तो ये सवाल पूछते हैं कि किस तरह से कराई जाती है डिस्टेंस या पार्ट टाइम में बीएड। अब जो डिस्टेंस में बीएड होती है या पार्ट टाइम में बीएड होती है उसका प्रोसेस क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं हरियाणा से जो बीएड कराई जाती है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, CRSU यूनिवर्सिटी से, डीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड हुई मैं सब पर वीडियो बनाई है आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई प्रोविजन या ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि आप डिस्टेंस में बीएड कर लोगे यहाँ से या फिर आप पार्ट टाइम में कर लोगे। जितनी भी के काउंसिल्स अभी आती हैं, काउंसलिंग में जो एडमिशंस हो रहे हैं और सबसे सस्ती किस यूनिवर्सिटी की फीस है उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पर। दोस्तों डिस्टेंस में नहीं है ना ही पार्ट टाइम में है, ये रेगुलर है, पर आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि हम डिस्टेंस में करवा रहे हैं या पार्ट टाइम में करवा रहे हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सरासर गलत है। रेगुलर होती है, रेगुलर की ही आपको डिग्री मिलती है, रेगुलर की आपको मार्कशीट मिलती है, रेगुलर तरीके से कोर्स चलता है, बट
प्रॉब्लम यहाँ पर इतना है क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज जा नहीं रहे हो, इसको नॉन अटेंडिंग बोलते हैं, जो एक इलीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस ये भी नहीं है। लीगल प्रोसेस सिर्फ यही है कि आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं, 50% से ज्यादा आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में। अभी एक साल की बीएड का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, दो साल की बीएड में आपका एडमिशन होगा। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, या किसी भी बोर्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, फिर चाहे वो नेशनल हो, मतलब हिंदुस्तान में जो बोर्ड चलते हैं, यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कॉलेजेस चलते हैं, या फिर अब्रॉड का हो, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, विदेश में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी की जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, वो सभी वीडियोस आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर काउंसलिंग इंडिया पर सिर्फ आपको कोर्सेज पर बनी हुई वीडियो मिलेंगी, जो कोर्सेज इंडिया में कराए जाते हैं या फिर आप अब्रॉड करने के लिए जाते हैं। और आप अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आती हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और बोर्ड्स पर आपको सबसे पहले मिल सके। फीस की भी बात करें, आराम से आपको 70-75 हज़ार रुपए में आपको कोई भी कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। आपको नाम ले, हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, हम आपको कॉलेज का नाम बता देंगे। अब साथ में ही जितने भी नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या है, कहीं वर्किंग है, कुछ कर रहे हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, तो गलती से भी एडमिशन मत ले लेना। रेगुलर कोर्स है, रेगुलर में या तो अपनी नौकरी कर पाएंगे और या तो आप दिखा पाएंगे आप कॉलेज में अटेंडिंग थे, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी आपके सामने। पर हरियाणा में मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसे ही चलता है, पर ये डिस्टेंस नहीं है और ना ही तो ये पार्ट टाइम है। ऐसे किसी में एडमिशन ले मत लेना। और अगर कोई भी कॉलेज आपको बोलता है कि हम पार्ट टाइम करवा रहे हैं या डिस्टेंस में आपको बीएड करवा रहे हैं, तो उसका एक लेटर लिखकर आप भेजें यूनिवर्सिटी को, एमडीयू को, सीआरएसयू, जहां से भी आप एडमिशन ले रहे हैं, और आप उनसे पूछें क्या ये कॉलेज पार्ट टाइम में कराने के लिए या डिस्टेंस में कराने के लिए मान्य है, या फिर आप वही लेटर भेजें एनसीटी को। एनसीटीई पर क्या होता है, एनसीटी का मतलब, एनसीटी कैसे काम करता है, डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने, आप उसको देखें, वीडियो को बहुत कुछ समझ पाएंगे। आप में से जो भी कोई स्टूडेंट अभी बीएड करने की सोच रहा है, हमारी पिछली वीडियोस को आप जरूर देखें, बहुत तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अलग अलग तरह से कैसे कैसे बीएड चलता है हरियाणा में। और आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी स्टेट से आप आ रहे हैं, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा हरियाणा में। यहाँ काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, मेरिट बेस पर लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप कॉलेज जाइए, फीस अपनी जमा कीजिए, एडमिशन लेटर अपना ले लो, फीस की रसीद अपनी ले लो और क्लासेस अपनी शुरू कर दो, आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा वहां पर। पर ऐसा कोई नहीं है कि आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर दो, डिस्टेंस की आपको मार्कशीट भी मिल जाए या पार्ट टाइम की मिल जाए, मिलेगी आपको रेगुलर की ही वो मार्कशीट, रेगुलर की ही डिग्री होगी वो चीज, और फीस आप दो साल में दे सकते हैं उसकी पार्ट टाइम में, और कॉलेज की जो फीस है वो आप दो बार में दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। सिलेबस की बात करें, बुक्स की बात करें, सिलेबस हालांकि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, और साथ में बुक्स खरीदना चाहते हो तो बुक्स भी इजीली आपको हरियाणा में किसी भी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी, या फिर दिल्ली में जो नई सड़क है वहां जाएंगे तो वहां से भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, हरियाणा से जो बीएड होती है, बीपीएड होती है, स्पेशल बीएड होती है, डीएड एमएड होती है, कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए। किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या किस कोर्स के डिटेल लेना चाहते हैं, हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या कमेंट में आप सवाल छोड़ें अपना कि किस पर हम अगला वीडियो लेकर आए और किसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि जो भी जिस तरह के हम एजुकेशन अपडेट लेकर आते हैं वो अपने आप को जानकार बना सके और हर तरह के अपडेट उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।